कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड से सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय भवनों तथा लोगों के घरों पर भी छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। गोरखपुर की सभी 1294 ग्राम पंचायतों एवं 2878 राजस्व ग्राम में कोरोना के दूसरे लहर से बचाव के लिए छिड़काव सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक कुल 2000 राजस्व गांव और लगभग 925 ग्राम पंचायतों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का पहले राउंड का छिड़काव सभी सार्वजनिक स्थल, पंचायत भवन, मंदिर मस्जिद, बाजार तथा संक्रमित परिवार के घर तथा उसके आसपास किया जा चुका है। बाकी बचे जो 800 राजस्व गांव और लगभग 350 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें अगले 5 दिनों में एक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जब प्रथम चरण का सैनिटाइजेशन पूरा हो जाएगा, उसका फिर दूसरे चक्र का फिर से आरंभ होगा। ये सैनिटाइजेशन कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोरोना को पूरी तरह से हम लोग परास्त नहीं कर देते। आम जनता से हमारा ये अनुरोध है कि वो लोग बिल्कुल ही डरे नहीं, कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर कोरोना के कोई भी लक्षण होने पर पास के केंद्र में जाकर के उसकी जांच कराएं और जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए परामर्श का पालन करें। कोरोना को बिल्कुल ही हराया जा सकता है। कई लोग ठीक होकर के आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में भारत जो है कोरोना से मुक्त हो जाएगा।